जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और आज की इस वीडियो में धमाकेदार कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लगातार शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। विकास इकोटेक में देखेंगे तो समय समय पर इसमें 5-5% या 10-10% का समय समय पर इसमें अपर सर्किट भी लगता रहता है और ज़्यादातर देखेंगे तो इसमें लोअर सर्किट भी लगा रहता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट भी समय समय पर लगते हुए देखने को मिलता है, जिसके बदौलत यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस स्टॉक में काफ़ी दिनों से यदि लॉस में जिसको शेयर प्राइस नीचे जाने से लॉस हो रहा है तो उसकी लॉस की रिकवरी हो जाती है जब इसमें अपर सर्किट लगता है, तो या निकलना भी है तो जब अपर सर्किट लगता है तो इससे बाहर भी हो सकता है। तो इस स्टॉक में ये खासियत है कि आपको समय समय पर एंट्री और एक्सिट दोनों देते रहता है। लंबी अवधि में क्या विकास की कोटिंग पैसा बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा, इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूं। और जो लोग फंसे हुए हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों को एकदम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखेंगे तो विकास की कोटिंग का प्राइस चल रहा है 2.95 रुपये के आसपास, तकरीबन 3 रुपये के आसपास, और कल फ्राइडे था तो कल के दिन देखेंगे इसमें 1.5% के तकरीबन 2% के आसपास में शानदार तेजी देखने को मिले। और ये जो देख रहे हैं एकदम मतलब इस तरह का जब लाइन बनता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट लगा है यानी कि शेयर प्राइस लगता अब ऊपर जाने की ओर अग्रसर है। वहीं पर यदि देखेंगे पिछले सिक्स मंथ में आपको उतार चढ़ाव काफी देखने को मिलेगा, और फरवरी मंथ से तो यदि आप यहां से देखेंगे तो तकरीबन नीचे ही आया है फरवरी मंथ के बाद। वहीं पर यदि एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी तकरीबन 6.5% के आसपास में गिरावट देखने को मिला। एक सप्ताह में भी स्टॉक कुछ खास चढ़ा नहीं, एक सप्ताह में देखेंगे तो तकरीबन 5% के आसपास में लोअर सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगा पिछले एक सप्ताह में। अभी मैंने 5 साल का इस कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ, 5 साल के चार्ट पर यदि मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो आपको पाएंगे कि 5 साल के चार्ट में स्टॉक का प्राइस यहाँ से देखेंगे दिसंबर 2019 से तकरीबन एक ही रेंज में स्टॉक का प्राइस चल रहा है। हालांकि 2019 के पहले देखेंगे तो लगता है इसमें गिरावट आ रही थी, लेकिन अब आके इसमें गिरावट थम गई 2019 से लेकर तकरीबन 2023 आ गया, 2023 में देखेंगे तो एकदम सपाट इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। अब देखिए कमाल की बात यह है कि प्राइस इस लाइन से नीचे नहीं आ रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो मैंने अभी इसे ड्रॉ किया है, इस लाइन से प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर उठेगा, और काफ़ी दिनों से जब एक रेंज बाउंड में स्टॉक घूम रहा होता है तो ये माना जाता है कि अब उसमें तेजी आने के चांसेज है। अब यहीं पर यदि मैं आपको इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल के पैटर्न पर दिखाऊं तो आप एक साल के पैटर्न पर देखेंगे कि इसका चार्ट पैटर्न कुछ अलग तरीके से दिखेगा। आप देखिए एक साल में पाएंगे कि यहाँ तक ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा और यहाँ से जब निकला तो नीचे की तरफ आया। अब देखिए नीचे की तरफ आ गया है, और ज़्यादातर देखेंगे तो अब ये इससे नीचे आने के चांस है। यहाँ पर एक इसका सपोर्ट लेवल था, तकरीबन इसी सपोर्ट लेवल के आसपास से ठहरा हुआ है, यहाँ से रिट्रेसमेंट मारकर ऊपर उठने का चांसेज है। अब पिछली बार देखेंगे जितनी बार यहाँ से ऊपर उठा है ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आके इसने रुकआउट का रेजिस्टेंस लेवल काम करता है, तो यहीं पर आकर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। लेकिन इस बार जब इस रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर निकलेगा तो यह आएगा सीधे 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये के पहले रुकने वाला नहीं है। जब भी आए मतलब आएगा तो जरूरी तो बात कंफर्म है, तो पहले आएगा 4 रुपये के आसपास और उसके बाद इससे ऊपर निकलेगा। अभी देखिए जो विकास इकोटेक कंपनी है, हम जानते हैं कि केमिकल सेक्टर में बिलोंग करने वाली कंपनी है। कल के वीडियो में बताया था कि केमिकल सेक्टर से जो कंपनियां जुड़ी हैं उनका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिसमें केमिकल का प्रयोग नहीं होता हो, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ठीक है। साथ में कंपनी का जो फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि मार्केट कैप तकरीबन 250 करोड़ से ऊपर की आसपास है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से ऊपर है, यह भी बढ़िया बात है। और आरओई दोनों निगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव में, ये कमाल की बात है। तो फंडामेंटल में कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं तो देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, यानी कि डिसलाइन देखने को मिला, हालांकि पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। अब इसके बदौलत यदि इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कंपनी अभी प्रॉफिट में तो है, लेकिन पिछले क्वार्टर में जहाँ पर इसको तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट कम होकर 2 करोड़ के आसपास रह गया। हालांकि ये उतनी चिंता की बात नहीं थी, क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूव ही हो रहा है यहाँ से देखेंगे तो धीरे धीरे अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई। पहले निगेटिव हो रहा था और यहाँ से नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, समय टू समय ये बढ़ते जाएगा, और जब क्वार्टरली रिजल्ट और बेहतर होने लगेगा तो कंपनी का फंडामेंटल भी और बेहतर होगा, और जब फंडामेंटल बेहतर होगा तो शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी, इस बात को आप मानकर चलिए। तो यदि लंबी अवधि की निवेशक है तो आपको विकास इकोटेक में डरने या चिंता वाली कोई बात नहीं, आप इसमें आराम से बने रहिए। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से क्या कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था कि चार्ट पर देखते रहिए। अब इसका प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है, और प्राइस सबसे पहले कहाँ आ सकता है, 3.5 रुपये के लेवल तक आ सकता है। तो जो लोग निकलना चाहते हैं उब गए काफ़ी दिनों से इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, तकरीबन 2019 से देख रहे हैं कि एक ही रेंज बाउंड में घूम रहा है, तो यहाँ पर निकल सकते हैं। हालांकि अभी निकलने की जल्दबाजी मत कीजिए, जब प्राइस 3.5 रुपये के या 4 रुपये के लेवल तक आ जाए वहाँ पर निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ विकास इकोटेक के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी कन्फ्यूजन या सवाल है तो उस कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।